15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नई सरसज के साथ स्कारलाइट सिनेमा का शुभारंभ किया जा रहा है। इस सिनेमा को बनाने से यहां के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर निर्माण होंगे। इस सिनेमा की ऑडी नंबर 1 की कैपेसिटी 606 है, वहीं ऑडी नंबर 2 की कैपेसिटी 387 के साथ शुरू की जा रही है। ऐसी जानकारी स्काई सिनेमा के ऑनर पीयूष मेहतानी इनके द्वारा दी गयी। मेरा नाम पीयूष मेहतानी, मेरा आर्मी सेंटर्स में चालू है और अभी ये प्राइवेट में पहला सिनेमा है जो अभी पूरा, मतलब पहले 1 स्क्रीन था जो मैंने 2 स्क्रीन में कन्वर्ट करके पूरा मल्टीप्लेक्स बनाया है, जिसमें रिक्लाइनर, सोफ़ा, ये सब है। एंड ऑडी 1 की कैपेसिटी हमारी 606 है, इंक्लूडिंग रिक्लाइनर, सोफ़ा, पुशबैक। एंड ऑडी 2 का है 387, इंक्लूडिंग सोफ़ा ही है। तो बस यही हमारा, मतलब फर्स्ट सिनेमा है कि मतलब बड़े पूरा, मतलब पब्लिसिटी होके, जिसकी टिकट दर कम से कम रखी गई है। सिनेमा का क्षेत्रफल 4300 स्क्वायर फीट है। प्रत्येक ऑडी में सोफा लगा हुआ है। इस डबल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध है। ऑडी नंबर 1 में सोफा 24 है, एक लाइनर 121 है, वहीं ऑडी नंबर 2 में सोफा 18 है और एक लाइनर भी 18 है। इस सिनेप्लेक्स की खासियत यह है कि ये एयर कंडीशन है। नो ऑफेंस, सिनेपोलिस पीवीआर को एक टक्कर देने के लिए हमने ये शुरुआत की है और ये ऐसा है कि कम बजट में भी फैमिलीज देख सकते हैं, क्योंकि हम काफी टाइम पीवीआर सिनेपोलिस में जाते हैं। रेट के वजह से हम प्रेफर नहीं कर सकते, ना फूड हम प्रेफर कर सकते हैं, ना रिक्लाइनर या सोफा प्रेफर कर सकते हैं। तो मिनिमम बजट में फैमिलीज एंजॉय कर सके मूवी, एंटरटेनमेंट की क्या बोलते हैं दुनिया, तो वो एक हमारा विजन है। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी फैमिली के लिए। एक द वे दिस थिएटर वॉज इनिशियली, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वहाँ से ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखना, विटनेस करना एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड आई थिंक एज एन आउटसाइडर भी ये बहुत बड़ा मोमेंट है हमारे लिए। वी जस्ट होप कि हमारे ऑडियंस को भी इतना ही अच्छा लगे जितना हम लोगों को लग रहा है करेंटली देख के। तथा ऑडियो क्वालिटी भी फिल्म का जीवंत अनुभव कराने हेतु नई तकनीक का उपयोग कर स्थापित की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।